हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है सावन का आखिरी सोमवार। इस 2 महीने के इस बार सावन चले और पहली मतलब बहुत सालों बाद ऐसा कुछ योग था, तो 2 महीने इस बार सावन चले हैं और बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुई है मेरी। मतलब सोमवार को मेरा अभिषेक भी इस सावन में अभिषेक भी अच्छे से किया हमने। तो आज हमारे रतलाम में है ना महाकाल की शाही सवारी निकलने वाली है और पहली बार शायद ऐसा हो रहा है सवारी निकलती है भोले बाबा की, शंकर भगवान की। बाकी महाकाल की शाही सवारी आज हमारे रतलाम में निकलने वाली है और घर की मेरी पूजा पाठ मैंने कर ली है, सिर्फ लंच बनाना मेरा बाकी रह गया है और मेरा है आज उपवास। तो मैं फरियाली करूंगी, मतलब कुछ फरियाली बना लूंगी अपने लिए। और बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं है, वो भी आने में थोड़ी देर में, तो उससे पहले मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। घर का काम तो मेरा सारा हो गया, बस किचन का काम बचा है थोड़ा सा, तो वो भी मैं जल्दी से कर लूंगी। आज आखिरी सोमवार है तो महाआरती भी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, चालू हो चुकी है महाकाल की शाही सवारी और हम लोग देखने आ गए हैं। और मैंने सोचा आपको भी दर्शन करवा दूँ महाकाल के, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता दर्शन लाभ का। तो आप दर्शन कीजिए महाकाल की शाही सवारी के। और पहली बार रतलाम में महाकाल की शाही सवारी निकल रही है, वरना उज्जैन में तो हमेशा हर साल मतलब सावन में निकलती है, और रतलाम में पहली बार निकल रही है। तो भीड़ भी बहुत थी और बहुत श्रद्धालु आए थे, मतलब महाकाल के भक्त। और अभी आप देखिए आगे आगे झांकियाँ भी थी साथ में, तो वो भी आपको आगे नज़र आएगी। ढोल वाले थे, मतलब अलग अलग सब अपने अपने ग्रुप लेके आए हुए थे। तो जिन्होंने आज तक कहीं महाकाल की शाही सवारी नहीं देखी वो दर्शन कर लीजिए। जितने मेरे YouTube फैमिली है, मैं चाहती थी आप लोग भी दर्शन कर लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए खासकर बनाया है महाकाल की शाही सवारी का। तो आप लोग दर्शन का लाभ लीजिए। तो जितने भी महाकाल के भक्त हैं वो सब दर्शन कीजिए सावन के आखिरी सोमवार की महाकाल की शाही सवारी के।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको महाकाल की शाही सवारी? आई होप आप सबने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। तो मैं सवारी देखकर घर आ चुकी थी, क्योंकि बच्चों के भी आने का टाइम हो गया था, और आते ही बस लग गई फिर किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था अपने लिए फरियाल और इन लोगों के लिए खाना। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। और फरियाल में आज मैं मेरे लिए बना रही हूँ साबूदाने के वड़े, जो कि वो टिकिया होती है ना। तो बस अधिराज के आने से पहले फटाफट मैंने काम निपटाया अपना, आलू उबाल लिए थे मैंने अपने साबूदाने के उसके वड़े के लिए, तो मैं वही छील रही थी कि फटाफट छील लेती हूँ, बना लेती हूँ। बच्चा रहते ना तो काम ढंग से हो नहीं पाता है, फिर उसको यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करना, उसको खाना खिलाना, इन सब में मैं लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वड़े के लिए ये आलू उबाल लिए थे, 4 से 5 आलू थे जो कि मैं छील रही थी। और जितना आप चाहो, आपकी क्वांटिटी के साबूदाने की क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हो आलू, वो आपके ऊपर है। मेरे को, मैं अकेले के लिए, इन लोग ये भी खा ही लेते हैं मैं बनाती हूँ, तो बस उसी हिसाब से मैं बना रही थी। और आलू आजकल बहुत मीठे भी आने लग गए अंदर से, पता है ऊपर से अच्छे दिखते और अंदर से थोड़े से ऐसे काले काले आते, तो मैं वही देख रही थी यार कि ऊपर से तो इतने अच्छे लगते जब लेते हैं जब अपन, और अंदर से फिर इसे काले के हो जाते, तो मैं आधे वो हटा रही थी, साफ़ कर रही थी आलू को ढंग से। तो और मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ साबूदाने के वड़े की रेसिपी, तो आप देखिए। तो साबूदाने के वड़े के लिए हमको चाहिएगा साबूदाना, जितना आप कितने लोगों उस हिसाब से आप ले सकते हैं। हम चारों ही वैसे खा लेते, बच्चे भी खा लेते, ये भी खा लेते, तो मैंने उस हिसाब से क्वांटिटी ली थी। और आलू भी साबूदाने के हिसाब से ही मैंने उबाले थे, 4 से 5 आलू थे, वो अच्छे से मैंने इसमें मैश कर लिए हैं। उसके बाद मैंने डाला है सीके हुए मूँगफली के दाने, जो कि मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिए थे, वहीं सबको अच्छे से मैश कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, हरी मिर्ची, इन सबको अच्छे से मिला लूँगी ताकि एक दूसरे से अच्छे से बाइंड हो जाए। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सेंधा नमक, जो कि उपवास के लिए आता है वो, और नींबू का रस, कि मैंने 1.5 नींबू का रस लिया था ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसके बाद तेल गर्म हो गया था, और टिकिया को आप हाथ में लेके थोड़ा सा चपटा करके ऐसे तल लें तेल गर्म होने के बाद। और पलटते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि इसको धीरे से पलटे, वरना टिकिया फट सकती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट रहती है, आलू भी रहते हैं तो फट जाती है, तो फिर सारा तेल पी लेती टिकिया। इस वजह से मैंने इनको आराम से धीरे धीरे पलटा था, और दोनों तरफ से मेरी टिकिया अच्छे से सिक चुकी है और अब खाने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, फरियाल मेरा बन के रेडी है, अब मैं फरियाल कर लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और भूख भी लग गई है मुझे थोड़ी। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, मंदिर में तैयारी चल रही है महाआरती की, ये हार वगैरह लगा रहे हैं अंदर मंदिर के अंदर भी। शाम के बज चुके हैं 8 और बस मंदिर में आरती चालू होने वाली है, तो अभी जाऊंगी मैं उधर और दिखाती हूँ आपको आज की हमारे सामने गार्डन के मंदिर की महाआरती। क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए आज महाआरती रखी गई है और महाप्रसादी भी है, तो देखते चलते और आपको भी दिखाती हूँ। घर आ चुकी हूँ और सामने मंदिर से महाआरती हो चुकी है और प्रसाद लेके हम घर आ गए हैं। और अभी बस मैं मेरा थोड़ा बहुत फरियाल कर लूंगी, ज्यादा भूख तो नहीं है, सुबह वो हैवी हो गया था साबूदाने के बड़े। तो आज के इस व्लॉग को हम ये करते हैं, कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।